नमस्कार, स्वागत है आपका वशीकरण मंत्र में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बर्फी का पीस से कैसे किसी को अपने वश में किया जाता है। एक बर्फी के पीस के ज़रिए, ये जो बर्फी का पीस है, जो मिठाई होती है, बर्फी मिठाई होती है, उससे कैसे किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, वो कैसे किसी को अपने वश में किया जाता है एक बर्फ़ी के पीस के ज़रिए, या कोई भी मिठाई हो तो भी चलेगी। ध्यान रखिए, जितना मीठा स्वीट होगा, मिठाई होगी, उतना ही असर ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिए, जो भी आपको लेना है वो ज़्यादा मीठे में हो। मैं आपको बताऊंगा, बर्फ़ी के पीस पर 3 बार फूंक मार के उस मंत्र को पढ़ दो, सामने वाला तुरंत आपके वश में होगा। जिसको भी आपने 3 बार मंत्र पढ़ के इस बर्फ़ी के पीस को खिला दिया, वो आपका हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, आपके बिना रह नहीं पाएगा, आपके कहने पर भी चलेगा। और आप उससे बोलोगे कि ये करना है तो वही काम करेगा, आप बोलोगे कि यहाँ करना है तो वही करेगा, आप बोलोगे इसको ऐसा करना है तो बिल्कुल वैसा करेगा, आपकी बात मानेगा, आपके बिना किसी काम को नहीं करेगा, आपसे हर काम को पूछ कर करेगा, आपकी दीवाना हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। तो सिर्फ एक बर्फ़ी के पीस के ज़रिए इसमें आपको कुछ भी सामान की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक मीठे से आप अपनी मोहब्बत को वापस भी पा सकते हो, आप अपनी मोहब्बत का वशीकरण कर सकते हो। अगर वो आपसे रूठ गई है और आप उसको वापस पाना चाहते हो, तो आप इसको खिलाकर उसको अपने वश में कर सकते हो, उसका वशीकरण कर सकते हो। आपकी पत्नी आपसे दूर चली गई है, आपसे रूठ गई है, तो आप उस क्रिया को करके, इस क्रिया को करके आप अपनी पत्नी को मना सकते हो, या आपका पति, पति आपसे रूठ गया है, आप इस क्रिया को करके, इसको करके, इसको खिला करके आप उसका वशीकरण करवा सकते हो। वो इसके बाद वो आपकी बात मानेगा, आपके कहने पर भी चलेगा, पत्नी पत्नी की बात मानेगी, पत्नी पति की बात मानेगी, और पति पत्नी की बात मानेगा। आपकी माँ आपसे रूठ गई है, आप इसको खिला करके आप उसको मना सकते हो, उसका वशीकरण कर सकते हो। या किसी बेटा अपनी माँ से रूठ गया है, तो माँ इसको खिला करके, विधि को करके उसको मना सकती है। या कोई रिश्तेदार, आस पड़ोस, भाभी, या कोई भी इस विधि का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही सरल और आसान है। इसको करके आपसे लड़ाई हो गई है, आपको परेशान करता है, या आपकी बात नहीं मानता, तो इस विधि को करके आप उसको मना सकते हो, लड़ाई को प्यार में बदल सकते हो, नफरत को प्यार में बदल सकते हो, रूठे को मना सकते हो। आप इसको करके वशीकरण कर सकते हो उस इंसान का, जो जिसको आप चाहते हो, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो। बहुत सरल और आसान है। अब ध्यान से देखिए इसको करते कैसे हैं। मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको उस मिठाई के टुकड़े को हाथ में उठाना है, और उस मिठाई के टुकड़े को देख करके मन के अंदर आपको उस इंसान की फ़ोटो सोचनी है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो। और फोटो सोचने के बाद आपको मंत्र पढ़ना है, श्री सिंधुनाथ प्रसन्न कुरु कुरु स्वाहा। 3 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है, और उस इंसान की फ़ोटो मन के अंदर सोचनी है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो। बस इतनी आपको करके 3 बार उस मिठाई के टुकड़े पर आपको फूंक मारना है और इसको खिला देना है। तुरंत जैसे ही आप इसको खिलाओगे, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट के अंदर अंदर ये अपना काम पूरा कर देगा। ध्यान रखिए, इसको तभी करें तब आपको ज़रूरत हो, बिना ज़रूरत है इस काम को ना करें, और गलत इस्तेमाल के लिए इस काम को ना करें, वरना परेशानी आपको भुगतनी होगी। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके इस खिदमत में ऐसी वीडियोस, ऐसे उपाय विधि लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और अगर आपको इस विधि को करने में कहीं दिक्कत हो रही है, या आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप जो स्क्रीन पर हमारे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे हमसे निशुल्क इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नंबर पे कॉल करके हमसे इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।